भाजपा द्वारा आवासीय बैठक में निंदा प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा विधायक धनीराम शांडिल पर आरोप जड़ा गया है कि दोनों ही कांग्रेस नेता अधिकारियों व कर्मचारियों को डराने और धमकाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों पर अब कांग्रेस भी विफलती नजर आ रही है और सोलन के पूर्व पार्षद और कांग्रेस युवा नेता अमन सेठी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा केंद्र में कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वे संसद नहीं चलने देते और अब जिला सोलन में विजयी हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर आरोप लगा रही हैं कि वे अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि भाजपा सत्ता चलाने में पूरी तरह विफल रही है और बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रही है। अमन सेठी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक धनीराम शांडिल पर आरोप लगाया है कि वे अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं, लेकिन अगर वे इस छवि के होते तो वे बार बार विजयी नहीं होते। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेताओं ने जब सत्ता में रहकर किसी भी अधिकारी को धमकाने का काम नहीं किया तो अब विपक्ष में वे ऐसा क्यों करेंगे। साथ ही अमन ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में शायद अधिकारी भाजपा की बात को अनसुना कर रहे हैं और वे दबाव की राजनीति कर अधिकारी उनसे गलत काम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनके काम करने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है और वे विकास को छोड़ मात्र तबादलों में लगी हुई है। अब भाजपा के खुद के काम कोई अधिकारी नहीं कर रहा होगा उनकी सरकार में, या अधिकारियों से वो गलत काम कराना चाह रहे होंगे तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो अपना ये चीज दूसरों पे थोपना तो उनके शुरू से ही आदत रही है। अभी पिछले हफ्ते भी हमारे संज्ञान में एक बात थी कि कुछ यहाँ सोलन के भी भाजपाइयों ने अधिकारियों को धमकाया है। अब वो वही है ना कि अब उनका अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, गलत काम कर नहीं रहे होंगे उनके, तो इसी चक्कर में वो अब कांग्रेस पे बात थोप रहे हैं और वो ये शुरू से ही उनकी एक आदत रही है कि वो अपनी गलतियां दूसरों पे थोपते हैं, सिवाय ट्रांसफरों के अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी भी हफ्ता पहले, तीन चार दिन पहले एक और उपायुक्त भी बदले हैं या एसडीएम बदल रहे हैं, अभी तो वो ट्रांसफरों से ही नहीं उभर पा रही है अधिकारियों की, तो फिर इल्जाम कांग्रेस पे लगाती है कि कांग्रेस के लोग अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद तो ताश के पत्तों की तरह अधिकारियों को फेंट के रख दिया ट्रांसफर कर करके, तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा अपनी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस पर जो ये आरोप लगा रही है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। भाजपा को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए भाजपा के लोगों को, और जनता के बीच में जो वादे किए हैं वो पहले पूरे करके दिखाएं तो हम उनको माने।